नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम का जन्म सो मनाया जाता है। यह चैत्र नवरात्र का नौवां और आखिरी दिन होता है। इस दिन ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, विधि विधान से रामलला की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री राम के बाल रूप का भव्य श्रृंगार किया जाता है। इस बार रामनवमी 30 मार्च को मनाई जाएगी। इस बार की रामनवमी बहुत खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन पांच अति दुर्लभ संयोग बन रहे, जिनके प्रभाव से भक्तों के जीवन में कल्याण होगा। बता दें कि हिंदू पंचांग की बात करें तो इस बार रामनवमी 29 मार्च 2023 की रात 9:07 से शुरू होकर 30 मार्च 2023 की रात 11:30 पर होगी। बता दें कि धार्मिक विद्वानों के मुताबिक इस बार रामनवमी पर पांच अति दुर्लभ संयोग अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, शुभ योग, सभा सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं। रामनवमी पर इन पांचों शुभ योगों के निर्माण से भक्तों के जीवन में शुभ सूचनाओं का अंबार लगने वाला है। उन्हें हर जीवन में सूचनाओं सफलता मिलेगी और कामयाबी उनके कदम चूमेगी। वे हर क्षेत्र में अपनी सफलता का झंडा फहराएंगे। खास बात यह है कि इस रामनवमी गुरुवार को पड़ रही है। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार रहे हैं और भगवान विष्णु को गुरुवार का दिन बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस बार की रामनवमी और भी खास हो गई है। रामनवमी वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया के बाद स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर मंदिर में जाएं और वहां भगवान श्री राम का केसर वाले दूध से अभिषेक करें, जिसके बाद वहां ध्यान लगाकर 108 बार ओम ह्रीं श्री ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्री नमः का जाप करें। साथ ही रामायण का पाठ सुने, जिसके बाद घर पर आकर एक कटोरी में गंगा जल लेके घर के कोने कोने में उसका छिड़काव करें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल।